तो इससे पहले हम लोगों ने फ्लाईव्हील का जो बेसिक फंक्शन मतलब बेसिक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। हमने ये भी देख लिया था कि अगर टर्निंग मोमेंट डायग्राम सिंपल ना देखे, अगर अलजेब्रिक फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में एक जनरल केस हम लोगों ने देख लिया था उसको कैसे सॉल्व करना, ठीक है। फ्लाईव्हील कैसे वर्क करता है, उसका वर्क फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया थी। यूज़ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है। फ्लाईव्हील का फंक्शन कहाँ है, यूज़ क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसके बीच की उसके अंदर की टर्मिनोलॉजी है, ये सब कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब हमें आगे क्या करना है कि हमें ये देखना है कि फ्लाईव्हील जो हमारा पंचिंग प्रेस है, जो कि शेयरिंग ऑपरेशन मेटल कटिंग मेटल शेयरिंग ऑपरेशन में यूज़ होता है, वहाँ पर फ्लाईव्हील कैसे वर्क करता है, ठीक है। वहाँ पर फ्लाईव्हील कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है। मेजर वर्क हमारा फ्लाईव्हील का वहाँ होता है, एक ऐसा वर्क जिसके बारे में हम लोग शेयरिंग ऑपरेशन हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी पढ़ते हैं, मेटल शेयरिंग ब्लैंकिंग और पियर्सिंग ऑपरेशन हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो जो ब्लैंकिंग और पियर्सिंग ऑपरेशन जो होता है पंचिंग प्रेस पे, पंचिंग प्रेस मशीन होती है जिस पर होता है, बड़ी सी मशीनें होती हैं, उसमें हम फ्लाईव्हील जो यूज़ करते हैं उसका वर्क कैसे होता है, कैसे वो डिफरेंट एनर्जी को कंटेन करता है, ये वगैरह चीज़ों के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो वही हमें देखना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील इन पावर प्रेस या पंचिंग प्रेस, इसको पंचिंग प्रेस भी कहते हैं, पंचिंग प्रेस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो पंचिंग यूज़ कहाँ होता है, मेटल फॉर्मिंग या सीट मेटल ऑपरेशन बेसिकली ब्लैंकिंग और पियर्सिंग ऑपरेशन जो होता है, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन जो होता है वो पंचिंग प्रेस पे ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा फ्लाईव्हील यूज़ होता है, ठीक। बेसिकली जो इसमें मोटर होता है, जो हमारा पंच होता है, ठीक है, जो हमारा पंच होता है वो दो तरीके के हम जो पंचिंग प्रेस में यूज़ करते हैं, या तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होगा जहाँ पे पिस्टन हमारा एज अ पंच यूज़ होगा, या तो कैम फॉलोवर की तरह कैम फॉलोवर सिस्टम लगा हुआ जिसमें हमारा फॉलोवर जो होता है वो एज अ पंच यूज़ होता है, और इसमें पिस्टन है जो हमारा एज अ पंच यूज़ होता है। अब देखो, एक चीज़ हमें यहाँ पे देखनी होगी कि जो भी पंचिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पिस्टन ऐसे होता है, पिस्टन अगर हम मान लें और यहाँ से ये कनेक्टेड होता है और यहाँ पे कहीं उसके बेल्ट के पास यहाँ पे हमारा मेटल रखा होता है, और ये क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो मतलब एक साइकिल में वो एक बार पंच करता है, ठीक है, एक साइकिल में वो एक बार पंच करता है। तो इस पूरे एक बार ऊपर नीचे आने का और फिर ऊपर जाने को हम एक साइकिल कहते हैं, ठीक। अब एक साइकिल में कितने स्ट्रोक हैं, टू स्ट्रोक हो गए, ठीक है। एक बार नीचे आना फिर एक बार ऊपर जाना पंच का, हम उसको कहते हैं एक साइकिल, इसको हम एक साइकिल कहते हैं, और एक साइकिल में टू स्ट्रोक होते हैं, ठीक, टू स्ट्रोक होते हैं। और दूसरी चीज़, ठीक, अब जब ये ऊपर से, क्योंकि जो हमारा मशीनिंग टाइम अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो जब भी वो ऊपर से नीचे आएगा, कट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, इस पूरे को हम एक साइकिल में जितना वो हमारा मशीनिंग टाइम होगा, ठीक है, वो हमारा मशीनिंग टाइम कहलाएगा। लेकिन अगर देखोगे तो एक्चुअल ऑपरेशन कितनी देर का, बहुत ही कम टाइम का, जहाँ जब नीचे आता है बस वो काटता है, उतनी देर का वो एक्चुअल ऑपरेशन हमारा बहुत कम है। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि एग्जैक्ट ऑपरेशन टाइम जो होता है, बहुत ही कम होता है साइकिल टाइम क्या, कि ऊपर से नीचे आने तक फिर वापस ऊपर उसी पोजीशन तक जाने के में जितना टाइम लगा वो हमारा साइकिल टाइम होता है। और वो जो ऑपरेशन है, एग्जैक्ट ऑपरेशन टाइम क्या हुआ, जो हमारा कटिंग, जो शेयरिंग पंचिंग हो रहा है, उसको बस काटने में जितना टाइम लगा उसको हम कहते हैं एग्जैक्ट पंचिंग ऑपरेशन टाइम। तो इस तरीके से देखोगे
तो जो एग्जैक्ट ऑपरेशन टाइम है वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू साइकिल टाइम। ठीक है, अब हम इसे एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अब हम इसे एक एग्जांपल के तौर पे, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे पढ़ेंगे। देखो, अ पंचिंग प्रेस अ डिज़ाइन टू पंच 72 होल्स पर आवर, कोई पंचिंग प्रेस है जो 72 होल्स पर आवर कर रहा है। ठीक, ईच होल डाया इज 3 mm और थिकनेस है 2 mm, इट रिक्वायर्स 20 जूल ऑफ एनर्जी पर mm स्क्वायर ऑफ सीयर एरिया। मतलब उस प्लेट का जिसमें हमें पंच करना है उसके पर mm स्क्वायर में जो शेयरिंग करने के लिए उसको 20 जूल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक, इफ़ ईच पंचिंग ऑपरेशन टेक्स, देखो पंचिंग ऑपरेशन 1/4 सेकेंड, ठीक, ईच पंचिंग ऑपरेशन टेक्स 1/4 सेकेंड एंड स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील इज डिक्रीज फॉर्म, उस दौरान, क्योंकि देखो उससे पहले उसको कोई फोर्स नहीं लगा, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके मूवमेंट को, तो स्पीड फ्लाईव्हील की स्पीड कहाँ डिक्रीज होगी, जब वो पंच करने जाएगा, जब वो पंच पाएगा, पंच से पहले ठीक उसकी स्पीड 100 थी, फिर जैसे ही वहाँ से, क्योंकि पंचिंग ऑपरेशन उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी वहाँ शेयरिंग के लिए यूज़ हो गया, उसको शेयरिंग करने के लिए यूज़ हो गया, तो एनर्जी लॉस हुआ। ठीक है, एनर्जी शेयरिंग ऑपरेशन में चली गई, तो वहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज होती है, वो क्या डिक्रीज़ हो रही है, 100 से 80 RPM पे चेंज हो रही है। ठीक, डूरिंग 100 to 80 RPM डूरिंग पंचिंग, तो फाइंड द मास ऑफ फ्लाईव्हील रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हैव डिजायर्ड पंचिंग ऑपरेशन इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन फ्लाईव्हील इज 0.3। हमें क्या निकालना है, मास, फाइंड द मास ऑफ फ्लाईव्हील रिक्वायर्ड, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव डिजायर्ड पंचिंग ऑपरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ फ्लाईव्हील इज 0.3। ठीक, अब यहाँ ये कह रहा है 720 होल्स पर आवर कर रही है। ठीक, और जो डायमीटर है होल का वो क्या है, 3 mm, थिकनेस क्या है होल का 2 mm, और उस होल को शेयर करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 20 जूल पर mm की रिक्वायरमेंट है उसको तोड़ने के लिए, और RPM जो है 100 से 80 RPM जा रहा है, 100 से 80 RPM जा रहा है जो फ्लाईव्हील का RPM है, और रेडियस ऑफ गायरेशन K की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.3 meter। तो ये तो समझ में आ गया कि हमारा फ्लाईव्हील कहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें इतनी समझ में आई। ठीक है, अब देखो हमारा 720 होल्स पर आवर कर रहा है, मतलब सेकंड में अगर देखें 720/3600, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये कितना कर रहा है, वन बाय जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, एक होल करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड। ठीक, ये क्या है, ये तुम्हारा साइकिल टाइम है, एक होल करने में, मतलब एक बार नीचे आया, होल किया, फिर ऊपर गया, इतना काम करने में इसको 5 सेकंड लग रहा है। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे देखो, ईच पंचिंग ऑपरेशन टेक्स 1/4 सेकेंड और साइकिल टाइम ये हो गया 5 सेकंड। ठीक, और एक होल एग्जैक्ट पंचिंग टाइम कितना है, ये 1/4, एग्जैक्ट पंचिंग टाइम कितना है, 1/4। तो सबसे पहले हमें मास चाहिए ना, मास चाहिए, तो हम डेल्टा ई वगैरह निकालना होगा। अब एक चीज़ देखो, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारी जो फ्लाईव्हील है उसकी स्पीड 100 से 80 RPM की डिक्रीज हो रही है, तो हम एन निकाल लेंगे, 100 + 80/2 इसकल टू 160/2 इसकल टू 90 RPM। ठीक है, यहाँ से हम ओमेगा निकाल लेंगे, 2 pi n 90/60।
और यहाँ से हम सी एस भी निकाल लेंगे, कैसे, 100 माइनस 80 बाई 90 मतलब 2/9 यानी कि 0.22 ये इतना आ जाएगा, तो हमें सी एस पता चल गया। ठीक, अब देखो, अब एक होल को, ठीक है, एक होल को शेयर करने में पर एम एम स्क्वायर उसकी एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, 20 जूल। एक होल का एरिया कितना है, अब देखो उसका डायमीटर दे रखा है और उसकी थिकनेस दे रखी है होल का, तो इसका एरिया कितना हो गया, 3 π d × θ d, तुम्हारा ये थिकनेस d, तो π × 2 × 3 × 2 यानी कि 6π mm²। ठीक, तो उसको होल करने के लिए, तो ईच होल को शेयर करने के लिए उसको कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, कम से कम 120 π जूल, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, अब जो हमने, देखो एक चीज़ देखो, हमने जो मोटर इंस्टॉल किया, क्योंकि एनर्जी तो हमें मोटर ही देगा, ठीक है, जो हमने मोटर इंस्टॉल किया उसका पावर कितना है, एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड, मतलब जूल पर सेकेंड हमारा पावर है उसका। ठीक है, हमें इतनी एनर्जी चाहिए उसको शेयर करने के लिए। ठीक, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ होल, एक एनर्जी को कितना वो कर रहा है और नंबर ऑफ होल्स वो कितना कर रहा है। ठीक, तो ये हमें मिल जाएगा टोटल पावर उसकी कितनी होनी चाहिए, 120 π × 720 / 3600, क्योंकि ये तो हमारा जो है, ये जो हमारा है सिर्फ एक होल का है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये सिर्फ एक होल का है, अगर हम पर सेकंड अगर देखते हैं तो पर सेकंड वो कितना होल कर रहा है, 1/5, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, पर सेकंड वो कितनी एनर्जी हमें मोटर की चाहिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 24 π वाट। ठीक, ये हमें चाहिए मोटर की, हमें इतनी पावर होनी चाहिए। ठीक है, हमारे मोटर की इतनी पावर होनी चाहिए जिससे कि वो 24 π एनर्जी हमें दे सके। ठीक है, तो मोटर इंस्टॉल हो गया 24 π का। अब ये बताओ, जब हम एनर्जी को वहाँ पे 24 π/s वो एनर्जी दे रहा है मोटर जो हमारा इंस्टॉल हुआ, लेकिन शेयरिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें कितने पाई एनर्जी की ज़रूरत है, 120 π। ये जो डिफरेंस है, यही हमारा फ्लाई व्हील देगा, यही डिफरेंस जो होगा 120 π − 24 π की जो एनर्जी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यही हमारा फ्लाई व्हील देगा। ठीक है, IωS² × CS। अब इसको तुम जानते हो क्या लिख सकते हो, MK² ω² × CS। ओमेगा पता है, सी एस पता है, एम निकालना है, के भी पता है। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आए, एक होल को हमें शेयर करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट थी, एक होल को शेयर करने के लिए हमें कितनी, 120 π की जूल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जो हमने मोटर इंस्टॉल किया था वो हमें पर सेकंड कितनी एनर्जी दे रहा था, 24 π। जूल की एनर्जी दे रहा था। ठीक है, तो वही देखो, यही जो डिफरेंस है 120 π और 24 π के बीच का जो डिफरेंस है, यही एनर्जी जो है हमें फ्लाई व्हील देगा। अब समझ में आया कि फ्लाई व्हील का रिक्वायरमेंट कहाँ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है कि कई तरीके से ये चीज़ दिया रहता है, जैसे साइकिल टाइम यहाँ पे तो 5 सेकंड दिया था, एग्जैक्ट पंचिंग टाइम अगर हमसे पूछता है तो हमें ये देखना होगा कि अगर सब ये सारी चीज़ें होती हैं तो तुम्हें ये पता है स्ट्रोक लेंथ 100 mm है, तो 200 mm को 5 सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है, 2 mm, तो अगर मान लो थिकनेस जो है वो दे रखा हो कि 2 mm है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 5/200 × 2। ठीक, उसी तरह कभी कभी क्या करता है, ये इस तरीके से भी देता है,
साइकिल टाइम 5 सेकेंड है, एग्जैक्ट पंचिंग इज डन इन 20 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन, ठीक है, और साइकिल टाइम 5 सेकेंड है, ठीक है, तो इन 1 साइकिल क्रैंक रोटेशन 2π इन 5 सेकेंड, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2π/5। ये सब तरीके हैं कि कैसे निकालना है, ठीक है, ये एग्जैक्ट पंचिंग टाइम आ जाएगा, ठीक। तो ये समझ में आया गया कि कैसे फ्लाईव्हील की, ये समझ में आ गया ना कि कैसे फ्लाईव्हील हमारा पंचिंग प्रेस में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा फ्लाईव्हील ख़त्म हो जाता है, फ्लाईव्हील पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब हम आगे यूनिट फर्स्ट के न्यूमेरिकल को देखेंगे कि उसमें कैसे वर्क हो रहा है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे हम आगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू।